हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेल्फ। मैंने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का स्टडी किया। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेल्फ। सेल की स्टडी करने से पहले हम दो टर्म याद रखेंगे। वो टर्म फर्स्ट क्या है, साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है? साइटो मींस होता है, साइटो वर्ड कहां से आया? ये काइटोज वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सेल। और लॉजी वर्ड कहां से आया है? लोगस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इस वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है? द स्टडी ऑफ सेल एज कॉल्ड द साइटोलॉजी। अब इसके अंडर में हम स्टडी क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम सेल के संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। और नंबर सेकंड टर्म इज क्या है? सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी के स्थान पर हम किसका स्टडी करते हैं? सेल बायोलॉजी। इसके अंडर में क्या अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम सेल की स्ट्रक्चर संरचना एंड फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत हम फिजियोलॉजी ऑफ सेल बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स के बारे में भी स्टडी करते हैं।
करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल। सेल की कुछ बेसिक यूनिट के बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या है? द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। सेकंड यूनिट, इसे हम इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक इट इज आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस वर्ल्ड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी चाहे वह एनिमल हो या प्लांट हो, उनकी बॉडी सेल से के कंबिनेशन से बनती है। इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। नंबर थर्ड क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे सेल के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़। ओके।